नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहा है। बेगूसराय के बाद अब वैशाली में दो बाइक सवार बदमाशों ने बीच बाजार ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नीतीश और तेजस्वी की सरकार पर हमलावर हो रही है और बिहार में जंगल राज होने की बात कह रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं रह गया है। सुशासन की बात करने वाले नीतीश तेजस्वी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। 7 दिनों में गोलीकांड की ये दूसरी घटना सामने आई है। जी हां, बेगूसराय गोलीकांड का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि बदमाशों ने अब वैशाली से फायरिंग की ये घटना सामने आई है, जहाँ देर रात हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के मरई रोड में बेखौफ दो बाइक सवारों ने 3 राउंड हवाई फायरिंग की, जिससे कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि बदमाश पासवान चौक की ओर से फायरिंग करते हुए आए और सुभाष चौक की ओर निकल गए। हालांकि घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे शहर की नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि बाजार का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, कुछ संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। बता दें, इससे पहले बेगूसराय में 13 सितंबर को नेशनल हाईवे पर भी दो बाइक सवारों ने लगभग 25 किलोमीटर तक पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और इस घटना में गोली लगने से एक शख्स की सड़क पर ही मौत हो गई थी और 10 लोग घायल हो गए। अपराधी खुलेआम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए पतली गली से निकल जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। आखिर नीतीश तेजस्वी के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार बदमाशों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही? बड़ा सवाल है कि विकास की मयार बहाने की बात करने वाली सरकार अपराधियों के सामने घुटने क्यों टेकते हुए नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी।